डेजर्ट ईगल, जिसको कस्टम और सीएस का हम लोग किंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इस गन को कोई बंदा एडवांसली यूज करना सीख जाता है ना, देन वो एक स्क्वाड को कुछ ही सेकंड में वाइप आउट कर सकता है, वो भी ओनली रेड नंबर के साथ। बट यहाँ पर 90% फ्री फायर प्लेयर्स को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो है डेजर्ट ईगल शॉर्ट रेंज हेडशॉट। तो क्या होता है, तुम लोग डेजर्ट ईगल ले लेते हो, इजिली लॉन्ग रेंज में एक दो बंदे को मार देते हो, बट जैसे ही एनिमी शॉर्ट रेंज में आता है, तुम लोगों का एक भी वन शॉट कनेक्ट नहीं होता है और तुम लोग बहुत गंदे वाले मर जाते हो। बट डोंट वरी, इस वीडियो के बाद आपका डेजर्ट ईगल हेडशॉट नेक्स्ट लेवल तक जाने वाला है, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर किया है कि आप लोग डेजर्ट ईगल से एकदम चिपका के शॉर्ट रेंज में हेडशॉट कैसे मार सकते हैं। सो यस, वीडियो को पूरा देखते रहना, वीडियो काफी ओपी है और बहुत नॉलेज से भरा पड़ा है। एंड आई एम श्योर गाइस, अगर आप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को सही से फॉलो कर लेंगे ना, देन आप पीसी प्लेयर जैसा एकदम शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मार पाएंगे डेजर्ट ईगल से। सो यस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले जो जो बंदे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, थैंक यू सो मच उसके लिए, और जो बंदे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दो, बहुत डेंजरस टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पे आते रहते हैं। सो यस, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहला ट्रिक है वो काफी डेंजरस और बहुत ज्यादा रेयर है, क्योंकि काफी कम बंदे इस चीज को अभी सीख पाया है। ठीक है, तो देखो, इस शॉट का नाम है सेटअप वन शॉट। देखो, अगर तुम लोग फ्री फायर के एक ओल्ड प्लेयर हो तो तुम लोगों को पता होगा, बहुत दिन पहले फ्री फायर में एक बग आया था, इसका नाम था सेटअप इन स्कोप हेडशॉट। अगर तुम लोग स्कोप करके सेटअप करके मारते थे, देन क्या ही हेडशॉट लगता था, ओनली रेड नंबर। कह सकते हैं वही एक नया ट्रिक आया है, सेटअप वन शॉट। ठीक है, और ऊपर तुम लोग एग्जांपल देख सकते हो, यही ट्रिक है वो वाला, और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, तुम लोग एकदम चिपका के, लिटरली एकदम चिपका के हेडशॉट मार सकते हो इसके यूज से। ठीक है, और हाँ, सेटअप हेडशॉट का बेस्ट एग्जांपल है पागल M10। ठीक है, एक नया उभरता हुआ सितारा, तुम लोग देख लेना यूट्यूब में जाकर सर्च करना पागल M10। उसके अगर किसी भी क्लिप को देखोगे, वो ऑलमोस्ट ज्यादातर सेटअप हेडशॉट मारता है और इस स्क्वाड को कितने इजीली वाइप आउट करता है देख लेना जाके। सो अब मैं समझाता हूँ इसको करना कैसे। ठीक है, तो देखो, इसको करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है, कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले जस्ट इमेजिन कहीं पर भी अगर बंदा हो, इंस्टेंटली अगर तुम लोगों को फायर करना हो, तो उस टाइम पे इंस्टेंटली तुम लोगों को बैठना है। ठीक है, इधर देखो, इंस्टेंटली तुम लोग बैठ गए। ठीक है, अब एक चीज को फोकस करना है, अपने एम को। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोग अपने एम को उसके बॉडी पर कभी नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग अपने एम को एनिमी के बॉडी पर सेट करते हैं, देन कभी भी वन टैप नहीं लगेगा, उल्टा वो आपको हेडशॉट मार देगा, क्योंकि तुम लोग बैठे हुए हो। ठीक है, सो अब हम लोग एम को कहाँ रखेंगे, हम लोग एम को रखेंगे एनिमी के पैरों के नीचे, जितना हो सके तुम लोग एम को नीचे रखना है और वाइट रखना है। सो देखो, अब हम लोगों ने एम को भी अपनी जगह सेट कर लिया है, अब सिंपल एक प्रोसेस बचता है, वो है फायर। तो सिंपल सा आपको ड्रैग फायर करना है, मतलब ऊपर की ओर बटन को खींचना है, और फायर करने के साथ साथ आपको टच करना है रन बटन को। ठीक है, समझ गए, मतलब फायर करने के इंस्टेंटली साथ साथ टच करना है रन बटन को, बस ये हो गया प्रोसेस कंप्लीट। अगर तुम लोग इस चीज को कर लेते हो, देन बहुत बढ़िया एक वन टैप निकल कर आता है। और हाँ, जब तुम लोग रन करोगे तो ये गन छोड़ देना, मतलब इसे देखने में अच्छा लगेगा और मूवमेंट भी अच्छा होगा। तो समझ गए प्रोसेस क्या होता है, बहुत सिंपल, आई होप तुम लोग समझ गए हो। और लिटरली अगर तुम लोग इस चीज को सीख जाते हो, देन क्या ही हेड मारोगे, एकदम चिपका गए। तो यस, वीडियो के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाना, ट्राई करके देख लेना। ठीक है, तुम लोग जब ट्राई करोगे, तुम लोग हेडशॉट लगेंगे ना, तुम लोग खुद बिलीव नहीं करोगे कि ये तुम लोग मार रहे हो और तुम लोग इतना ओपी ट्रिक पहले पता नहीं था। सो यस, इस बात पर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सो गाइस, ये तो हो गया सेटअप वाला। आप काफी बंदे बोलेंगे, भाई मुझसे सेटअप विटअप ना हो रहा, मुझे सिंपल सा स्टैंड होकर कैसे मारते हैं वो बता दे। सो देखो, स्टैंड वाला प्रोसेस भी काफी सिंपल होता है। सिंपल सा क्या करना होता है, जस्ट इमेजिन इधर बंदा है, तुम लोगों को जंप करना पड़ता है। पहले तो एक जंप करो, क्योंकि अगर तुम लोग बिगिनर्स हो तो तुम लोग जंप करोगे तो ईजी हो जाएगा, एम अपने जगह पर चला जाता है। सो पहले जंप करो और अपने एम को लाओ, पैरों के नीचे वाइट कर लो। ठीक है, और सीधा बटन को स्ट्रेट ड्रैग ऊपर की ओर खींच दो, कुछ नहीं करना, इजीली हेडशॉट ही लगेगा, कहीं नहीं लगेगा, गोली सीधा हेड पे ही चिपक जाएगा। तो ये एक बहुत सिंपल सा ट्रिक था और ये बहुत ज्यादा यूज भी होता है, बट मैंने इसको दूसरे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि ज्यादातर बंदे तो अभी यही ट्रिक यूज करता है ना, वो सेटअप वाला हेडशॉट ट्रिक को यूज ही नहीं करता है। तो इसलिए मैंने इसको दूसरे नंबर पर रखा है। तो यस, तुम लोग अपने मन से जो चाहे वो यूज कर सकते हो, दोनों ट्रिक बहुत डेंजरस है, एंड आई एम श्योर तुम दोनों ट्रिक के यूज से ओनली रेड नंबर से ही खेलोगे। सो यस, अपने अकॉर्डिंग यूज कर लेना जो तुमको परफेक्ट लगे। अब हम लोग कुछ ऐसे मिस्टेक्स को देखते हैं जिस वजह से आपके एक भी वन टैप नहीं लगते हैं, चाहे आप लोग जितना भी प्रोसेस फॉलो कर लो। सो जो सबसे बड़ा मिस्टेक वो है फायर बटन। फायर बटन को आप लोग गलत पोजीशन पर रखते हो एंड गलत साइज रखते हो, तो इस वजह से भी आप लोग बहुत कम वन टैप मार पाते हो। सो यस, बेस्ट फायर बटन आपको एक चूज करना पड़ेगा, वो कैसे करना है इस वाले वीडियो पे देख सकते हो चैनल पे विजिट करके, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, उधर से जाकर भी देख सकते हो। तो ये हो गया पहला मिस्टेक। सो जो दूसरा बहुत बड़ा कॉमन मिस्टेक है वो है ओवर ड्रैग या फिर स्काई ड्रैग। देखो क्या होता है, तुम लोग क्या करते हो ऐसे, ये देखो एग्जाम्पल एक चल रहा है, देखो ऊपर क्लिप, ऐसा होता है ना तुम्हारे साथ, ऐसे तुम लोग फायर करते हो और एकदम देखो क्या हवा में ऊपर, कहाँ गोली जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। तो देखो, ये चीज होने का बस दो ही रीजन है, एक तो ओवर ड्रैग और दूसरा आपका एम। आप लोग एम को बहुत दूर रखते हैं एनिमी के, इस वजह से भी ये चीज होता है। तो यस, कभी भी ओवर ड्रैग नहीं करना। ठीक है, तो अब देखो कुछ एग्जांपल, अगर मैं अपने एम को सही जगह पर रखता हूँ, ठीक है, और मैं ओवर ड्रैग नहीं करता हूँ, एक मिनिमम ड्रैग करता हूँ, कितना इजीली हेड लग रहा है। तो यस, जब एनिमी बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज में आ जाता है, अपना हार्ट बीट एकदम बढ़ा मत लेना और एकदम
ऊपर तक खींचने लग जाओ गोली। ऐसा मत करना, लिटरली बहुत बड़ा मिस्टेक होता है गाइस, ये मत करना। मुझे पर्सनली हंसी आता जब मैं ये चीज देखता हूं। तो यस, थोड़ा अपने एम को, ओवरड्राइव को थोड़ा कंट्रोल करना। हे गाइस, आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया कि प्रोसेस क्या होता है हेडशॉट मारने का शॉर्ट रेंज में, और तुम लोग मिस्टेक्स भी क्या करते हो। यस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना, ठीक है। साथ ही में गाइस, जो जो बंदे हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ओपी वीडियोस इस चैनल पर आते रहते हैं। तो यस, चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।